दोस्तों आज मैं अपने इस राउटर TP-Link MR600 का YouTube पर वीडियो अपलोड करके टेस्ट करूंगा कि अपलोडिंग में कितना समय लगता है अगर आप इस राउटर को लगवाते हैं। ये सिम वाला राउटर है, आप यहां पर देखेंगे मैंने इसमें सिम लगा रखी है। और ये सिम वाला मैंने ख़रीदा था लगभग 8000 रुपये का, और मैंने इसमें एक्सटर्नल एंटीना लगा रखा है जिसमें LMR 400 केबल ओबल सब लगी हुई है। एक एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें आप देखेंगे 3 पॉइंट नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं गांव में जब रहता हूँ तो वहाँ पर मुझे वीडियो अपलोडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको लगवा लेता हूँ और इससे मेरी जैसे जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। तो आप लोगों को भी लाइव दिखा दूँ, क्योंकि जब मैं जैसे इसको ख़रीद रहा था तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि भाई अपलोडिंग में कितना समय लगता है, क्योंकि लोग डाउनलोडिंग दिखा देते हैं या फिर डाउनलोडिंग की स्पीड अपलोडिंग की स्पीड दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल कितना लगता है ये नहीं दिखाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको इसकी स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे ये इसमें कनेक्ट है, ये TP-Link 5G, 5G का मतलब 5 GHz वाला इसमें कनेक्ट है। और बैटरी कितनी है, 84% इसमें बैटरी है। और अभी मैं जैसे गूगल से जो होता है स्पीड टेस्ट इसको करके दिखा देता हूँ। ये तो है भाई डाउनलोडिंग की स्पीड और ये है इसकी अपलोडिंग की स्पीड। और ये वोडाफोन की सिम है, 824 रुपये में 1 महीने अनलिमिटेड होता चाहे जितना यूज करो, तो ये वाला प्लान मैंने लिया है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ओखला वाला, ओखला जो भी है ये। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Ye hai iski uploading speed. It could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. ये है इसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड। और अब मैं इसमें पहले आपको दिखा दूं वीडियो कौन सी अपलोड करनी है। ये मैकबुक है और ये है वीडियो, लेकिन इसकी मैं MB दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 3.2 GB की ये फाइल है, 3.2 GB की फाइल है, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की माइलेज वाली है। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ और इसको मैं अब सीधा अपलोडिंग पर। अब ये 3200 MB मतलब 3 GB 200 MB की फाइल है और आप देखेंगे अपलोडिंग करने में ये दिखा रहा है कि 24 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा कम भी लग जाएगा, अभी 22 हो जाएगा, अभी थोड़ा जैसे जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये 20 मिनट। और अभी आप टाइम देख लें 12:43 हो रहे हैं, 19 मिनट। तो अब मैं 19 मिनट तो मोबाइल पकड़ के नहीं बैठ पाऊंगा, इसलिए हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। Feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Like the answer's out for me, but
much inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares and दोस्तों 1:10 हो चुके हैं और हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये 1:08 पर हो गई थी क्योंकि भाई मैं दिखा दूं आपको, मैं पबजी खेल रहा था तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी देर हो गई। तो ये 8 मिनट ये और 25 मिनट में ये वीडियो पूरी अपलोड हो गई, जिसमें प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। और ये 4K वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4K लिखा हुआ है और 4K वीडियो ये अपलोड हो चुकी है। तो 25 मिनट में ये 3.2 GB की फ़ाइल को अपलोड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर मैं मोबाइल से अपलोड करता तो पूरा दिन लग जाता, जो कि बहुत बुरा होता। तो इसलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और देखता हूँ मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई जानकारी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको कीमत बता दूं, 8,000 रुपये के मैंने राउटर खरीदा है। सिम 824 रुपये की है, जिसमें एक महीने में अनलिमिटेड चाहे 1,000 GB चाहे जितना यूज करो। और इसके अलावा मैंने जो 3,3500 रुपये का वो इसका एंटीना मंगवाया हुआ है, जिससे मेरा इंटरनेट चलता है। तो ये सारी चीज़ें करने में इतना पैसा लगा है, लेकिन काम पूरा संतुष्टि वाला है, एकदम बहुत झक्कास है। गांव में जहां पर इंटरनेट नहीं होता है, वहां पर इस चीज़ को यूज करना काफ़ी अच्छा होता है। तो अब सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। और वीडियो बनाने के चक्कर में आप देख लें, गिर गया हूँ मैं, घुटने टेक रहा हूँ इस समय। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।